Hey guys, welcome to our channel. दोस्तों अगर आप मूली लेके आते हैं तो आपने देखा होगा कि साथ में आपको मूली के पत्ते भी मिलते हैं और इनका वेट भी जब आप मूली खरीदेंगे तो उसमें साथ में होता है। नॉर्मली हम क्या करते हैं कि इन पत्तों को फेंक देते हैं, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको मूली के पत्ते की सब्जी बनानी है। तो सबसे पहले दोस्तों मूली में से जो भी सॉफ्ट सॉफ्ट पत्ते हैं आप देख पा रहे हैं, मैंने सॉफ्ट सॉफ्ट पत्ते को सबको अलग कर दिया है और अब मैं इनको अच्छे तरीके से धो लूंगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि मूली के पत्तों को अच्छे तरीके से धो लेना है। ओके फ्रेंड्स, तो अब आपको क्या करना है कि रफली जो पत्तों को आपको चॉप कर लेना है, और छोटे साइज अगर नहीं चॉप कर पा रहे हैं तो भी चल जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि रफली मैंने इनको चॉप कर लिया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि हमको एक मूली भी इसमें काटेंगे, क्योंकि मूली से फिर इसका जो मूली के पत्ते की सब्जी है वो बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने एक मूली ले ली है, इसको मैंने छील लिया है और अच्छी तरीके से धो दिया है, और अब हम इसको छोटे छोटे पीस में कट करते हैं। आपको जो शेप पसंद है आप उस शेप में कट कर लीजिए। इसका कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको किसी पर्टिकुलर शेप में ही कट करनी है, लेकिन छोटे छोटे पीस में ही कट करिएगा तब ज़्यादा मज़ा आता है। तो देख सकते हैं दोस्तों मैंने यहाँ पे मूली को छोटे छोटे पीसेज में कट कर लिया है। अब इसके बाद जो इंग्रेडिएंट है वो है हरी मिर्च, तो हरी मिर्च को भी आपको छोटे छोटे पीसेज में कट कर लेना है। मिर्ची आप अपने हिसाब से कट कर लें, जितनी भी आपको मिर्ची खानी पसंद है। मैं यहाँ पे 3 मिर्ची काट रहा हूँ, मूली मैंने 1 काटी है, और जो ये मूली के पत्ते हैं वो तकरीबन 1 किलो मूली यानी कि तकरीबन 3 मूली के जो मूली के पत्ते हैं वो मैंने साफ करके काट लिए हैं। तो यहाँ पे मैंने मिर्ची काट ली है, बस अब हमको क्या करना है, कढ़ाई पे सरसों का तेल गरम करना है। तो देख सकते हैं दोस्तों मैंने यहाँ पे कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है, और दोस्तों इसमें जो हम तड़का लगाने वाले हैं सबसे पहले वो लगाएंगे हम मस्टर्ड सीड्स का। अगर आपके पास मस्टर्ड सीड्स हैं तो वो अच्छी बात है। वैसे मैं जो इसमें तड़का लगाने वाला हूँ वो लगाने वाला हूँ जख्या का। जख्या एक्चुअली पहाड़ों में होता है और ये एक बहुत ही बढ़िया सब्सटीट्यूट है जीरा का कह लीजिए या फिर मस्टर्ड सीड्स का। तो मैं जख्या का तड़का लगाऊंगा, आपके पास अगर मस्टर्ड सीड्स हैं या फिर जीरा है तो आप उससे भी तड़का लगा सकते हैं। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार का दिखता है जख्या, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि छोटे राई के दाने होंगे तकरीबन इतना। मैं जख्या डालता हूँ सबसे पहले, बस अब आपको लो पे कर देना है सब कुछ, और उसके बाद थोड़ा सा हम किसी भी तरह के खाना बनाते हैं तो हमेशा हल्दी का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। उसके बाद और मसाले आप डाल सकते हैं, और उसके बाद आप मूली के पत्ते डाल दीजिए। इसको थोड़ा सा चला लेते हैं और फ्लेम आप लो पे रखिएगा। इसके बाद दोस्तों हम इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, और फिर जो हमने मूली और हरी मिर्च काट के रखी है वो भी हम इसमें डाल देते हैं। तो दोस्तों ये सब्जी बहुत जल्दी बन जाती है क्योंकि मूली भी हम कच्ची खाते हैं और हरे पत्ते भी, प्लस हमें थोड़ा सा सॉफ्ट करने होते हैं, लेकिन फिर भी हम इसको थोड़ी देर के लिए। दोस्तों तकरीबन सब्जी जो पक रही है समय पे 4 मिनट से पक रही है लो फ्लेम पे। आप देख सकते हैं सब्जी एकदम बन चुकी है। अब आप इसको रोटी के साथ में या फिर दाल और चावल के साथ में खाएं, बड़ा ही मजा आपको आएगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये रेसिपी मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, क्योंकि हम इसी तरीके की यूजफुल रेसिपीज और झट से बनने वाली रेसिपीज अपने चैनल में डालते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट किसी बढ़िया रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।